153 red messages, 30 missed calls, and WhatsApp ka blue tick turning into double tick and finally single tick. Jo baatein zubaan se bahar na aa saki aur jo aankhon se beh na saka wo dard. Hi dosto, main hoon Roopam aur ye kahani hai Roopam aur Karan ki. Karan? Karan kaun? Are yaar, Karan mera sabse acha dost, mera best friend, mera jigri yaar. Kehte hai na, ishq mein junoon hai, lekin dosti mein sukoon hai. तो ऐसी ही दोस्ती है मेरी और करण की. करण 10th स्टैंडर्ड में मेरे लिए पोस्टमैन भी बना था यार. मेरे को चिट्ठियाँ लिखने का बहुत शौक है और तब मेरे पास और मेरे एक्स के पास कोई फ़ोन नहीं था, तो मैं चिट्ठियाँ लिख लिख कर करण को दिया करती थी. करण उसको जाके देता था, फिर वहाँ से मेरा जवाब लेकर आता था. पर ऐसा नहीं है कि ये दोस्ती वन साइडेड थी. मैं भी अपनी शामों को रातें कर दिया करती थी उसकी गर्लफ्रेंड्स के झगड़े सुलटाने में. गर्लफ्रेंड भी नहीं, गर्लफ्रेंड्स के झगड़े सुलटाने में. और कुछ ऐसे ही हालात की बंजर ज़मीन पर दोस्ती की धूप सेकते हुए हम दिनों को सालों में तब्दील कर दिया करते थे. मुझे आज भी याद है कि कैसे हम ऑफिस से बाहर निकलते थे, सुबह 4 बजे चाय पिया करते थे और अपनी दोस्ती को और कड़क कर लिया करते थे. फिर रात को वहीं बैठ के बिचिंग किया करते थे अपने ऑफिस के कॉलीग्स की, दोस्तों की, इसकी, उसकी, सब की. और मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने पहली बार शराब पी. यार वो बियर इतनी कड़वी थी ना कि साली गले से निगल ही नहीं रही थी. और उधर ही करण ने मुझे कंफर्टेबल करने के लिए बोला, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे. और मैं भी हंसते हुए नशे में, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे. और बस ऐसे ही हंसते हंसते रातें बीत गई. और बोलते हैं ना कि दोस्ती को सींचते हुए आपको पता नहीं चलता कि कब पानी और खाद बहुत ज़्यादा हो रहा है. और ज़्यादा की गई तो इबादत भी खुदा को आदत लगने लगती है. तो ये प्यार, ये दोस्ती कैसे घुटनना बनता. करण के ज़िंदगी में बहुत सारे मसले थे, इसका मसला, उसका मसला, उसका मसला, सबका मसला. और मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मसला था कि उसकी जिंदगी के सारे मसले दूर करना. यू नो वॉट, बींग एन इमोशनल फूल इज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स बोथ. क्योंकि जब आप किसी को हग करते हो ना और उसकी सांसों की गर्मी को दूर जाते हुए फील कर लेते हो, तो पता चल जाता है कि यार अब ये दोस्ती की आखिरी सांसें भी अपना दम तोड़ने वाली हैं और कोई तुमसे दूर जाने वाले. और जब कोई दूर जाता है और आप उसे जाने नहीं देना चाहते, तो आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कोशिशें करते हो, मैसेजेस करते हो, पूछते हो, क्या हुआ है यार, बता दे, आई एम देयर. पहले रिप्लाई आते हैं, फिर रिप्लाई आने कम हो जाते हैं और धीरे धीरे वो फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट टू नो कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है. एंड जस्ट लाइक दैट I was blocked too. I didn't know how to go and tell him I miss you, Karan. यार मैं किसको सुबह फोन करके बताऊंगी अपने पूरे दिन की कहानियां? मैं किससे लड़ूंगी? मैं किसको सुनाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड्स के किस्से या फिर उनके किस्से जिनको मुझ में इंटरेस्ट है या उनके जिनमें मुझे इंटरेस्ट है? किसकी दिन भर की गालियां सुनकर मैं फिर भी मुस्कुराऊंगी? कौन मुझे कहेगा बहुत बेकार लग रही है? कौन मेरे बर्थडे पर केक लेकर आएगा? और क्या मैं उसे रात को 12 बजे कॉल करके विश कर पाऊंगी? जब रिश्ते रुख बदलते हैं ना, तो हजारों यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं उन गलतियों के सामने. और आपके इमोशंस अक्सर गलतियां बन जाया करते हैं. शायद यहीं तो हम गलत हैं, हमें स्पेस देना नहीं आता. और उसे चाहिए सिर्फ थोड़ा सा स्पेस. बस ऐसे ही करण और मेरी दोस्ती यहां खत्म होती हुई नजर आई. एज यू से, लाइफ गोज ऑन, शो मस्ट गो ऑन. दिन चल रहे थे, रातें गुजर रही थी, जिंदगी भी आगे बढ़ रही थी,
लेकिन उसकी और मेरी 2 साल तक कोई बात नहीं हुई। मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि सच्ची मोहब्बत और अच्छी दोस्ती कभी ना कभी वापस आ ही जाती है। फिर वो दिन आया, वैलेंटाइंस डे का दिन, एंड आई गॉट अ कॉल अचानक से। ट्रिन ट्रिन, हाय रू, व्हाट्स अप, क्या कर रही है, सब बढ़िया? एंड आई वाज लाइक, करण, इज इट यू? अबे पागल है क्या, आवाज भूल गई है क्या मेरी? 2 साल में दिमाग खराब हो गया तेरा? आई वॉज लाइक, बहन के भाई, वेयर द हेल वर यू? पर मैं अंदर से कहना चाहती थी कि यार, आई एम सो हैप्पी यू कॉल्ड अप। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं कि तूने आज कॉल किया। दिस really really means a lot, वरना यार इस टूटी हुई दोस्ती के साथ ना जिंदा रहना बहुत भारी हो जाता। अगर मेरी इस कहानी से आप सभी कुछ सीख सकते हैं तो वो ये कि यार, रिलेशनशिप का जब ब्रेकअप होता है ना, तो आपके पास आपके दोस्त होते हैं आपको संभालने के लिए, लेकिन दोस्ती का जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो संभालने के लिए कोई नहीं होता। So this Valentine's, let's go to our friends and tell them how much we love them. I love all my friends, yaar. You also go and tell them that you love them. Because Valentine's is all about love. And love has different versions of it. Not just girlfriend, boyfriend, husband, wife wala pyar. Aao, dosti wala pyar karte hain. Happy Valentine's Day.